आज मैं सतनाली मंडी, जो कि अनाज मंडी है, वर्षों पुरानी मंडी है, वहाँ पे ग्रामीणों ने, जो यहाँ पे जिला अध्यक्ष है सवाई सिंह राठौर, राठौर समाज के, इन लोगों के भावी प्रत्याशी हो सकते हैं, उनसे मैं, इनको बहुत आक्रोश है। ये मंडी में शिक्षा मंत्री ने ये कह रहे हैं कि दो बार आदेश जो दे चुके हैं शेड बनवाने को लेके। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये मंडी है, यहाँ पे काफ़ी शेड के लिए लोग काफ़ी दिनों से मतलब मांग करते आ रहे हैं कि यहाँ शेड बने। यहाँ पे किसान अपने खून पसीने के 12 महीने पीला सोना लेके अभी एक हफ्ते बाद आने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ प्रशासन और सरकार द्वारा कोई भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई है। या ना पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना यहाँ शेड की व्यवस्था है, ना यहाँ बैठने की व्यवस्था है। और किसानों के खून पसीने के 12 महीने की कमाई यहाँ पे अगर बारिश आ जाती है तो वहाँ पानी में बह जाएगी। अब किसान बेचारे ऐसे में जाएँ तो जाए कहाँ। इस बारे में आज यहाँ पे हमारे जो ग्रामीण हैं, यहाँ गणमान्य लोग हैं, यहाँ इन्होंने सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया है, और मैं इनसे पूछना चाहूँगा इनका इस बारे में क्या कहना है, क्या विचार है। तो इन लोगों के भावी प्रत्याशी हो सकते हैं महेंद्रगढ़ जिले से, और आप सतनाली के रहने वाले हैं, ये मंडी काफ़ी पुरानी है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है किसानों की, इसके बारे में आपका क्या कहना है बल्ली शेखावत जी? 4 साल होने के गुजारे हरियाणा सरकार भाजपा के बने, लेकिन 4 साल में हमें कुछ नहीं मिला सिवाय झूठी घोषणाओं की। शिक्षा मंत्री जी आते हैं मंडी का दौरा करके जाते हैं आई साल, और आने जब भी आते हैं ये कह के जाते हैं एक शेड, इस बार शेड तैयार हो जाएगा, लेकिन हमारा शेड आज तक नहीं बना। इसलिए हमारे सारे जितने भी किसान हैं, सारे मंडी के जितने दुकानदार हैं, सारों में आक्रोश है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस बार हमारे किसानों की फसल खराब ना हो, और इसलिए जल्दी से जल्दी ये शेड बनवाया जाए, और मैं सरकार से पूरी तौर से मांग करता हूँ कि हमारा शेड बने। आप मैं ये सवाई सिंह राठौर जी हैं, राठौर से महेंद्रगढ़ जिले के, राठौर समाज के जिला अध्यक्ष हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा मंडी में शेड ना बनने का कारण क्या है। तो सवाई सिंह राठौर जी, आप मुझे बताइए, अभी किसान यहाँ पे फसल शुरू होने वाली है, अपने 12 महीने के खून पसीने की कमाई यहाँ पे पीला सोना लेके आएंगे, उनके लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नंबर समाप्त चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। 3 साल पहले ये मंडी शुरू हुई थी, उस समय हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी इस मंडी का दौरा किया था, उन्होंने आते ही कहा था कि मैं यहाँ की पूरी सुविधाएं दूंगा। 3 साल हो गए, कोई सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं शेड बनाऊंगा, ये मेरे पीछे देखिए शेड बने हुए हैं लगभग 40 साल पहले के, कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ घोषणाएं होती है सरकार की, काम कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो पैदावार हुई यहाँ किसानों में, मैं सुनने में आया कि अभी बता रहे थे कुछ ग्रामीण कि यहाँ पे पैदावार मोस्ट सबसे बेस्ट पैदावार रहती है, रिकॉर्ड तोड़ यहाँ गेहूँ की यहाँ फसल लेके आते हैं। देखिए लंबा साहब, मैं बताना चाहता हूँ, दक्षिण हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी मंडी लगती है इसकी गेहूँ की, तो सतनाली मंडी है, सबसे ज्यादा गेहूँ यहाँ पर आता है, लेकिन सुविधा नाम पर कुछ चीज नहीं। और सुविधा कर जमींदारों से, आढ़तियों से सरकार बहुत ज्यादा दे रही है, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ पीने का पानी भी नहीं मिलता, और शेड तो क्या, पीने का पानी नहीं मिलता। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस वर्ष ये शेड का काम शुरू नहीं किया तो ये किसान, ये जमींदार, ये मजदूर वर्ग बहुत बड़ा आंदोलन करने को सरकार के खिलाफ मजबूर हो जाएगा। तो राठौर जी, यहाँ पे अगर किसान ने सोना, अपने पीला सोना अभी 12 महीने के एक हफ्ते बाद चालू हो जाएगा, अगर बारिश आ जाएगी उस दौरान, तो किसानों का क्या होगा? बिल्कुल, एक दो बार ऐसा हुआ भी है, किसानों का बेचारा रोकर रह गया, किसान कहाँ जाए, किसान सरकार के पास जाए, सरकार सुनती नहीं है। तो सरकार मतलब खाली हमारे जो मंत्री जी आप बता रहे हैं कि खाली आश्वासन के अलावा वो सिर्फ आश्वासन, मैं भाजपा का कार्यकर्ता था और अभी भी हूँ, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सबसे झूठे का जो खिताब मिलता है वो हमारे प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी को दिया जाए, ऐसी हम सरकार से मांग करते हैं। कि आप अभी देख रहे हैं हमारे यहाँ लोगों में कितना आक्रोश है सतनाली मंडी के, यहाँ पे अपने खून पसीने की 12 महीने की कमाई इस किसान लेके आएंगे, तो मंडी की व्यवस्था देख चुके हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ बैठने की व्यवस्था है, ना यहाँ गेहूँ डालने की व्यवस्था है, यहाँ अगर बारिश आ जाए तो ऐसे में क्या होगा। और तो और प्रशासन ने अब तक मंडी में यहाँ झाड़ झखाड़ करे हैं, इनको भी काटने की जहमत तक नहीं उठाई है, इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों में कितना खौफ है सरकार के प्रति, वो कितना कहाँ मानते हैं। आप मेरे भी देख रहे हैं, आप कितने यहाँ पेड़ खड़े हैं, झाड़ झाड़ खड़े हैं, ऐसे में अगर यहाँ किसान अपने गेहूँ लेके आते हैं तो कितना रिस्क होगा, कितना मुश्किलों का सामना करके 12 महीने के खून पसीने की कमाई यहाँ पे ले किसान लेके आएंगे। यहाँ पे ना तो शेड है, अगर इस दरमियान बारिश आ जाती है तो ऐसे में किसान बेचारे अपने 12 महीने की कमाई को यही लुटा बैठेंगे जब तक तुलाई नहीं होती है। तुलने के बाद आरती तो अपने यहाँ इधर उधर अपने गोदाम में डाल लेते हैं,
इनको ऑलरेडी गोदाम है, लेकिन किसान यहाँ अगर 500 क्विंटल गेहूँ लेके आ जाता है तो आप देख सकते हैं, सहज अंदाजा लगा सकते हैं हमारे अधिकारी यहाँ पे कितने कारगर साबित हैं। शिक्षा मंत्री हमारे यहाँ बता रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं और हमारे बल्ली शेखावत जी इन लोग के वरिष्ठ नेता हैं, वो अभी आपके सामने बता रहे थे शिक्षा मंत्री का कोरे कोरे आश्वासन देते हैं, 2 साल से आश्वासन देते आ रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ मंडी बनवा दी जाएगी साइड, और यहाँ पानी की व्यवस्था की जाएगी, लाइट की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, चोरी का भी भय है साथ साथ यहाँ पे। तो आप ये इन्होंने आज मांग की है एकमुश्त हो गए सभी, ये भाजपा कार्यकर्ता भी यहाँ हैं कुछ और यहाँ अदर पार्टियों के भी हैं, इन्होंने एकमुश्त होकर मांग की है कि जल्दी से जल्दी यहाँ सेट बनवाई जाए ताकि यहाँ के हमारे किसान भाई गेहूँ लेके आए तो संतुष्ट होके आ सके। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।